ओम शांति मेरे भाई बहने ओम शांति बोलो ओम शांति नहीं बोला बहन भाई बोलो ओम शांति हर एक अपना पाठ है पाते हर एक अपना पाठ है पर मैं 16 कला संपूर्ण कैसे बनूंगी अच्छा सर्वगुण संपन्न बनना चलो सत्तो गुरी मुद्दी से मैं सर्वगुण संपन्न बनूं पर श्री कृष्ण के लिए गायन है 16 कला संपूर्ण और हमारा बाबा का पुरुषार्थ ऐसा देखा है कोई कला कम नहीं है सबके कला में भी से भी सेवा लेने की भी कला है उसके पास ऐसा लायक बनाने की भी कला है भले कला किस में है पर उसका लायक किसने बनाया कला छोटी सी थी साधारण लोगों में भी होती है ये पर बाबा के बच्चों में कला कैसी आई वो कला में कैसे उसमें संपूर्णता आ गई है कला ने उसको संपूर्ण बनने में साथ दिया है अटेंशन कला से सेवा का भी है अटेंशन कला में ये भी हो सेवा के भी कला आगे बढ़ाया है पर पुरुषार्थ में तभी 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न बनने के लिए सत्तो गुणी बुद्धि से एकदम गुण के सिवाय कोई बात छुए भी नहीं डोंट टच मी तो बाबा बताता था वो शर्म बूटी होती है ना तो बाबा लेके जाता था बगीचे में कहता देखो हाथ लगाएंगे ना बेचारी ऐसे मुरझा जाएंगी कहते डोंट टच मी तो माया को लव कर माया को वार्निंग दो डोंट टच मी नहीं मेरे को नहीं टच भी ना करे वो तभी होगा जो ये गीत जो शाम का रोज बजता है ना वैकुंठ निराकारी दुनिया रचता रचना के ज्ञान से रचता रचना के ज्ञान से जहां मेरा तन होगा पर जहां मेरा मन होगा ना एक बहन ने आज पूछा बाबा कहता है मन होगा वहां मेरा तन होगा तो तन तो जहां मन नहीं मन जहां बाबा में होगा ना तन भी बाबा के सेवा में बाबा के साथ होगा सेवा में साथ में होगा मन बहुत ऐसा है इसलिए कहा मन मनाम भव मुझे गीता पढ़ते हुए अच्छा लगता था तीन बारी चार बारी है गीता के अंदर भगवान ज्ञान सुना के फिर कहता है मन मनाम भव बाबा भी सुना कर कहता है बातें समझा के कहता है अच्छा बाप को याद कर मन मनाम भव मना बाबा को याद कर रहा उसमें बाबा के याद में फिर याद में पर मैंने कहा इतना बाबा क्यों कहता है याद करो क्वेश्चन जानबूझ के पूछा क्यों कहता है याद करो अभी कोई जवाब देवे तो अच्छा है नहीं तो मुझे जवाब तो तैयार रखना पड़ता है क्यों कहता है ब्रेक सेकंड विचार करो इतना कोई मुरली नहीं है जिसमें बाबा याद के ऊपर हमको अच्छी तरह से ध्यान न खींचवावे साकार मुरली अव्यक्त मुरली तो आईना है आज की अव्यक्त मुरली आईना है आईने में अपने आप को देखो याद है ऐसी याद होवे जो कुछ याद ना आवे कुछ याद ना आवे
अभी हंसा बताती है तुम फलाने टाइम हॉस्पिटल में दी, पर मुझे एक एक महीने की बात याद नहीं है, ये महीने की बात भी याद नहीं है। कल पांडव भवन में गई जैसे बहुत समय के बाद गई, मुझे फील हुआ बहुत समय के बाद पांडव भवन में इंद्रप्रस्थ में। कहते इतने वीक मैंने, पर कहाँ थी याद नहीं है, पर याद क्या है। तो मैंने कहा क्यों कहता है बाबा, क्यों हमको याद दिलाता है रचता रचना के ज्ञान से, तेरा ये अंतिम जन्म है, तुमने ये आत्मा 84 जन्म लिए है, भले शरीर छोरा 84 बारी जन्म लिया है, शरीर छोरा है, पर अब भी तुम्हारा ये शरीर छोने के घड़ी में सवाय मेरे के और कोई याद न हो ऐसा पुरुषार्थ तुमने कोई जन्म में नहीं किया है। समझ रहे हो बात को, कांत भी नहीं लाते, क्या करो, ऐसा जन्म जो अभी जो जो तुम्हारे जन्म में मैं घरी 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 मैं तुम्हारे अंतिम जन्म में मैं आया हूँ, ब्रह्मा बाबा के भी अंतिम जन्म में मैंने प्रवेश किया, उसने जल्दी समझ लिया। ब्रह्मा बाबा ने जल्दी समझ लिया ये मेरा अंतिम जन्म है, अभी भी बस उसको याद करना है, याद भी नहीं समझा, बस उसका हो जाना है। इतना प्यार से उसका हो जाने की लगन में मगन हो गया, जिसको आज ज्वालामुखी योग कहते हैं। तो चला ज्वालामुखी योग क्या है, शब्द तो सभी कहते हैं ज्वालामुखी योग, पर उसमें बुद्धि चली, क्यों शाम को आना है तो कुछ माल खजाना हो बहन बांटने के लिए। तो ज्वालामुखी योग बाबा को देखो, ऐसी बस शरीर संबंधी होते हुए शरीर में है संबंधी है, पर ओम की जो कल बोला मुरली में छोटे से कमरे में था, जब ज्ञान शुरू किया छोटे से कमरे में शुरू किया है, उस कमरे में मैंने भी बाबा से वो लिया है, मुझे भाग्यवान हूँ वो जो कमरा बाबा ने कल बोला ना उस कमरे में भी बाबा को देखा है। इतनी ऐसे धुन में थोड़ा समझा के पेंसिल कागज रखा रहता था, लकीरें निकालता रहता था, फिर ओम की धुनी करके वो जो ओम शांति अभी कहते हैं, उस टाइम के बाबा के ओम में जो शांति आ जाती थी ना, असल रतन दादी को अनुभव होगा शुरू का, वो भी अनुभव हमारा ये हो। अंतिम जन्म है, अंतिम घड़ी में हमारी कैसी होंगी उसकी तैयारी अभी करनी है, उस घड़ी नहीं करेंगे, उसके लिए बाबा ने फिर घड़ी घड़ी कान में ठोक के बताता है विनाश हुआ ही पड़ा है, सारी दुनिया खत्म होने वाली है, तब तक आत्माएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती रहेंगी नहीं जाती नहीं रहेंगी, जाना बंद है, जाना शुरू पीछे होगा जब विनाश हो जाएगा, तब तक आना अंत में भी थोड़े समय के लिए भी आने वाले आत्माएं आ रही है, नाटक में थोड़ा पार बजाने के लिए आ रही है, परंतु तुमको क्या करने का है ये बता के फिर कहता है तुमको क्या करने का है। विनाश आने के पहले ये सब दुनिया विनाशी है, हे अर्जुन हे आत्मा सारी इसको दुनिया को विनाशी जान,
ये जो शरीर संबंध सब विनाशी पदार्थ सब विनाशी घर बाल बच्चे कुछ भी है विनाशी ये पहला लेसन विनाशी जान तो आत्मा विनाशी है मैं परमपिता परमात्मा मैं परमात्मा परमात्मा का भी पहचान देता जाता है मैं भी अविनाशी हूँ तुम भी अविनाशी है पर जैसे ब्रह्मा बाबा सबको विनाशी जान सफला कर दिया विनाशी तो क्या करेगा फेंकेगा तो रही ये भी बुद्धि यज्ञ के हिस्ट्री में बड़ी कोई विरलों को आई सब सफला कर लिया और कईयों ने छोड़ दिया बाबा ने उस टाइम भी बाबा इशारा करता था अकुल की कमी है ऐसे छोड़ दिया जिस पर हक लगता था और कोई तो हक नहीं भी लगता था अब तो भी सफला करा दिया अंतिम जन्म में विनाशवाई पर है जो पुरुषार्थ का नैब कर ले एक याद का पुरुषार्थ याद में है मन शिवा में है तन तन से जो कनेक्शन रखने वाली सब सफला सफला हुई जाएंगी ना तो मेरा है ही नहीं तब तक मैं का अपमान मेरा का अटैचमेंट खत्म नहीं होंगी मैं एक सेकंड ठहरती हूँ फिर नहीं खत्म होंगी शरीर भी खींचेगा संबंध भी खींचेगा कोई आत्मा ने कहा भी मैं अभी भी इनसिक्योरिटी महसूस करती हूँ मुझे जब लगा समझाई नहीं बाप भगवान मेरा बाप है ज्ञान देने वाली औरों को ज्ञान देने वाली स्टूडेंट को समझाने वाले अब खुद सिक्योरिटी नहीं है माना क्या है दिमाग उठो बैठा उठो बाबा क्या ये उठ है दिमाग में उठ क्यों कहते हैं उठ पक्षी होता है ना उठ पक्षी भी होता है कहेंगे बोझा उठाओ तो कहेंगे मैं पंछी हूं बोझा नहीं उठाएगा बला बला उरो तो मैं उठू बाबा ऐसा मिसा देता था ये उठ पक्षी है दिमाग में कोई ऐसी बातें बैठ जाती है सफल करने में कहेंगे हाँ विचार तो कर रहा हूं देखूंगा क्या हुआ उठ पछी हुआ ना बोला उरो मैं उठू ना बड ने ना बोझा उठाने का आदत पड़ी हुई है उठ को बोझा उठाने की आदत पड़ी है तो कभी भी सिर पर बोझा उठाना इस पर मैं भले कुछ साल हो गया पर मेरे को भी खुद अच्छा लगा है आज दिन तक भी वो अच्छा एक मैसेज याद रहता है मुझे कहा इंग्लिश में मैसेज दो लंदन में कोई प्रोग्राम था जियासी में तो मैंने कहा मैसेज में जो अभी आपको सुना है पर अभी इससे कनेक्शन रखने वाली बात है एक है ब्लॉकेज पेन है कुछ अभी मैं जैसे योग में आई थोड़ा खांसी हुई थोड़ा सा होता है
चला गया। थोड़ा भी पेन होवे याद में रहो, चला जाता है। क्या करूं जो पेन है ना, अरे पेन की दवाई है शायद, डरी मार, डरी नहीं मार, याद करो पेन चला जाएगा। हाँ चला गया, अब नहीं है भी नहीं है, अनुभव करो ना। पर क्या करूं, बैंडेज है थोड़ी, पेन तो चला गया, पर कुछ उठ कर ना, थोड़ा बंधन है ना। अगर बंधन कहेगा तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप से मिस है। एकदम बंधन नहीं है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, वंडर है बाबा आपका। पेन तो चला गया, अभी जो चाहो मुझे में ऐसे कराओ, आपकी मदद है ना। हिम्मत बच्चे मदद, तो इंग्लिश में इतना नहीं बोल सकती थी, पर मैंने स्पष्ट करती रही, हिम्मत बच्चे मदद बाप। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, थोड़ा बर्डन है बॉडी का। तो अभी आज किसी को प्यार से, मेरी मानते कम है, थोड़ा समझ में नहीं आता है ना उनको, कहा मुझे आज राखी बांधते, मुझे कोई अच्छी बात सुना दो, मैं तुम भारी रहने की तो याद आती हो, हल्की हो जा। मैं ये सभी को कहती हूँ, सेकंड में कभी भारी हो जाओ, ये आदत हो, लाइट रहो तो माइट मिले। ये रमेश बैठा है क्या, ये मस मस छोटा मुन्ना था, पता नहीं कौन सा बोझा लेकर के अभी तक बैठा हुआ है। नहीं मुझे अभी नहीं बोल सकता है, मैं जब भी तुमको देखेंगे ना रमेश को, यहाँ करके योग कराएंगा, किसका संग है, आत्म तेरा संग है, इसको कोई भाई के साथ संग है नहीं, एक लड़की को लेकर के बैठा है, बंधन मुक्त, बंधन जानबूझ के बंधन बनाया है। इतना छोटा 6 साल का लड़का था, 6 साल का, 50 साल से पहले, 50 साल से भी पहले, अब सबसे पुराना है, आत्म तेज से पुराना है। क्यों सभा के बीच में इसलिए बोलती हूँ, हो सकता है आज भी हिम्मत बच्चे मदद बाप, वंडरफुल। तो आप ऐसी सेवा नहीं करते हो, थोड़ा तो थोड़ा भारी हो भी, थोड़ा इतने हल्के जो वाइब्रेशन ऐसे मिले जो साथ जो बने ना एकदम बदल जाए। आप भले कितना लोहे सके बदल सोना बन गए, अभी तो पास बनना है ना, जो आपके संग में आवे सोना बन जावे ना। तो मैं भी ठहर नहीं सकती हूँ, आप कहेंगे तो हो जाएगा, नहीं नहीं मेरे को नहीं हो जाए, मुझे अंतिम घड़ी में ये ना आए, ये नहीं बनते, टाइम लगाया, ये नहीं ख्याल आवे, अच्छा बर्डन भी नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर आता है बैरियर चेकिंग पॉइंट, अचानक कोई परीक्षा आई, बहुत कल कब्जास है, याद से ऐसी अच्छी अवस्था, सब बाहर कर सेकंड में हल किया है, उस रॉयल पर्सन जी वाली है। हम वो अब ऊपर जाते हैं, हमको फौरन जो बैरियर है ना वहाँ खड़ा, मैं खड़ी कर कार खड़ी कर, तो सब आते मिलने के लिए, टोली लेने के लिए, बड़े प्यार से आते सब मिलते, मैं टोली का बॉक्स लेके जाती हूँ, कोई बैरियर आवे ना टोली खिला दो,
मीठी टोली है, मुस्कुराता देखो, फिर क्या हो जाएगा, फिर बनेंगे ब्रिज, आपको देख पार हो जाएंगे। ये मैसेज है या प्रैक्टिकल लाइफ है, जिसकी हर हर एक अपने आप को, मुझे बच्ची में ये बात सुनानी थी, आज बच्चों का क्लास थोड़ा पड़ा, पर मैंने कहा ये रह गई है, अभी इनको रियलाइज करना चाहिए मैं कहाँ तक हूँ। अभी तक ब्लॉकेज है, यहाँ बैंडेज है, यहाँ बर्डन है, यहाँ बैरियर रहता है, तो मैं थोड़ा घबराता हूँ कहाँ तक पहुँचा हूँ। दादी है, देख रही हो ना, बच्ची तो सदा ही मधुबन में बच्ची है ना, मधुबन में क्या है, शांतिवन में क्या है, यहाँ क्यों आते हैं? अब जो सारे भारत से आए बड़े बड़े भाई बच्ची में, देखो मंगूराम भाई अच्छा हुआ आया ना, बच्ची का जो लास्ट रहा हुआ था, अभी क्या करने का, ब्रिज बनने का बना है। मुझे कहा मुझे जाना है, मैं क्लास में बैठ के पीछे जाओ, पुराना भाई है, अच्छा है, सुना आए अकेले जाना, अकेला केले वाला है ना, तो केले वाला है ना, अकेला आया अकेला जाना है, समझा? ये मैंने कहा तुम केले वाला कान, शुरू में इसको कहते थे केले वाला, अकेला आया अकेले जाना है, अकेला रहना है, अकेला समझ के बाप को याद करना है, सबको हलो करो, मैं कौन हूँ नाम नहीं बताओ, पर मैं बाबा का असली बच्चा हूँ, असली बच्चा हूँ। अच्छा आओ, तुम तैयार किया ना, अच्छा आओ पूरा हुआ ना, सुनो सुनो एक मिनट, पूरा हुआ आज के क्लास का मतलब पूरा हुआ, उसमें भी अभी बाकी रही बात, कहता है 5 मिनट और सुनाओ तो फिर आता हूँ। अच्छा अब एक बात जरूरी थी मैं सुनाती हूँ। अच्छा अंतिम जन्म की ही अंतिम घड़ियाँ है, देखा चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देने में, ये बात बड़ी मदद करती है, कोई भी सेकंड व्यर्थ या थोड़ा भी जो जरूरी नहीं है वो ख्याल आने नहीं देती, वो फिर हंसा और मेरी रूह यहाँ चलती है सारा दिन। आज मुझे कहा किसको, मतलब कोई कह समझ, कोई भी आता है ना समझे, दादी मुझे थोड़ा टाइम दे, थोड़ा टाइम में मैं थोड़ा बैठूं, मैं कहा उसको खुशी से बिठाओ, तुमको सारा टाइम मैं साथ में हूँ, और गहरी गहरी बातें निकल आती है अच्छी अच्छी याद में रहने और याद में दिलाने की, भले नाम से ब्राह्मणी है पर ब्राह्मणी नहीं है, हम संबंध जो हमारे आपस में जो संबंध हो ना, सभी का जो भी सेवा में आपस संबंध हो ना, साथी की, जैसे बाबा हमारा साथी है, हम यात्रा में इकट्ठे चलने वाले साथी है। ये हरिलाल देखो क्या सुन रहा है, कि ये हरिलाल है ना, कहाँ बुद्धि जा रही है, माँ जा रही है क्या, गाड बुद्धि कहीं भी न जाए, कोई भी सेवा होए बुद्धि न जावे, सेवा हुई पर ये हो रही है, मैं निश्चिंत हूँ। तो जब आज की मूल्य में था या कल वरदान में था,
इतना निश्चय हो जो निश्चय निश्चय निश्चिंत बना देता है. जो आज फिर बाबा ने कहा निश्चय कितना हो, और निश्चय बैठता है स्वयं में, बाप में, फिर परंतु जो बाबा से मिलता है ना, फिर मैंने सोचा जो मिलता है ना वो निश्चय को पक्का कर लिया है, करना नहीं पड़ा है. निश्चय करना नहीं पड़ा है. पर जो बाप में निश्चय है किसका है? मुझे आत्मा को निश्चय है, मैं आत्मा हूँ, मुझे निश्चय है मैं बाप की हूँ.